बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सज्जनों, रामलीला के ये अद्भुत दृश्य जो अभी अभी आपने देखा वो हमें याद दिलाता है कि जिस तरह पृथ्वी पर सूर्य का निकलना एक तथ्य है, उसी तरह बुराई पर अच्छाई की विजय भी अंतिम सत्य है और यही विजयदशमी का प्रतीक भी है और संदेश भी। आप सभी को विजयदशमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए मैं अमिताभ बच्चन शुरू करता हूं। ज्ञानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति? तो देवियों सज्जनों, अब बारी है हमारे शानदार शुक्रवार में आने वाले विशेष अतिथियों के स्वागत की। हमारे आज के पहले मेहमान हैं हिंदी फिल्म जगत को एक ऐतिहासिक मोड़ देने वाले, फिल्म मेकिंग की नई परिभाषा रचने वाले एक निर्देशक। और हमारी दूसरी मेहमान वो हैं जिन्होंने अभिनय कला को जीता है, नृत्य कला को जीता है और दर्शकों के दिलों को भी जीता है, और एक बात बता दें, उम्र को भी उन्होंने जीत लिया है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए रमेश सिप्पी और हेमा मालिनी जी। जोरदार ताली एक बार फिर बज जाए हेमा जी के लिए और रमेश सिप्पी जी के लिए। तो देवियों सज्जनों, हमारे दोनों मेहमानों से मेरा रिश्ता जो है वो बहुत पुराना है और आज एक तरह से शोले रियूनियन कहा जा सकता है। बहुत सी पुराने यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई हैं। 46 साल शोले को बने, 46 साल हो गए। अभी तक विश्वास नहीं होता कि 46 साल बीत गए रमेश जी। इतने साल बीत गए, फिर वापस हम लोग मिल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ। मुझे याद है कि इस पिक्चर की शूटिंग अक्टूबर महीने में हुई थी, 2 तारीख को होने वाली थी। हाँ हाँ हाँ। लेकिन बताइए, लेकिन ऊपर वाले ने होने नहीं दिया। अच्छा, क्योंकि गांधी जी का बर्थडे था। हाँ, करेक्ट, तो ये गन और ये और वो सब बंदूक है, वो कैसे वो शूटिंग होने दे। इतनी बारिश हुई कि एक शॉट नहीं ले पाए। अगले दिन भी बारिश होती रही, लेकिन वी मैनेज टू शूट वन सीन द नेक्स्ट डे। आप चाबी लौटा रहे हैं जया जी। सर बिल्कुल सही बात है, सही बताया कि पहला दृश्य जो था वो था मैं जया को वो चाबी दे रहा हूँ। सर उसके पीछे भी एक कहानी है। प्लीज। कहानी यह है कि जया जो थी वो गर्भवती थी। यस। हमारी पहली बेटी के, श्वेता उनका नाम है। तो अभी मैं श्वेता से बात करता तो हमने कहा आपने भी शोले में काम किया हुआ है। जी, कई बार जब मान लीजिए थोड़ी सी देर हो गई शूटिंग में तो धर्म जी कहते थे यार मैं इधर ही सो जाता हूँ। और वो दरअसल वो किसी एक कुटिया में जा करके रात भर वहीं रह जाते थे और कहते थे यार बाहर बड़ा खुला आसमान है, अच्छा है, खूब लेट करके वहीं पड़े रहते थे। और हम सब के बीच बहुत ही भाईचारा था। बिल्कुल, है कि नहीं? और हाँ, yes. हम लोग सब एक दूसरे के साथ मिलजुल करके बातचीत हंसते खेलते रहते थे दिन भर शूटिंग। धर्म जी और मैं तो एक ही गाड़ी में जाते थे, एक ही गाड़ी में वापस भी आते थे। और भाई साहब एक बार अजीब हो गया, ऐसा हुआ कि धर्म जी और हम लोग निकले और बेंगलोर में जो सबसे भीड़ भाड़ वाली जगह है उधर से गाड़ी जानी थी, वो गाड़ी हो गई खराब। ओह गॉड। और 3-4 हज़ार आदमी आ गए धर्म जी को देखने और एकदम घेर लिया। हमने कहा यार क्या किया? धर्म जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तू चल मेरे साथ चल। तो हम लोग ऐसे दोनों बाहर निकले और बगल में एक ऑटो जा रहा था, दोनों उसमें घुस गए और ऑटो पे गए हम लोग रामगढ़।
इतने दूर तब बड़ा मजा आया उसमें। धर्म जी बहुत ऐसा करते हैं, ऐसे करते रहते हैं। आपको भी कभी ले गए हैं क्या राजा? जयपुर में ऐसा हुआ, हाँ, there's a train crossing था, level crossing, हाँ हाँ, तो उसके लिए वेट नहीं करने का था, तो वो एक आदमी साइकिल में जा रहा था, साइकिल ले ली, साइकिल ले लिया, बोला मुझे आओ बैठो, see we both sat and went there, you know, क्या बात है। ये पिक्चर कितने मेहनत से 2 साल से पहले कंप्लीट हो गई एंड रिलीज हुई अगस्त 1575 में रिलीज हुई, और हम सब इंतजार कर रहे थे कि व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द पब्लिक। मैं शूटिंग कर रही थी राजकमल में, सो ही केम टू सी मी, सो आई वाज वेरी एक्साइटेड टू नो कि क्या 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 हुआ, व्हाट इज द रिजल्ट। तो एज ही कम ऐसा सर हिलाया, सो आई गॉट, आई सेड व्हाट हैपेंड, नहीं बिल्कुल पसंद नहीं किया, सो इट वॉज सो शॉक्ड। इसके बाद की कहानी अब मैं बता रहा हूँ। हाँ जी बताइए। जितने बाद की कहानियां हैं सब हमारे ही पास हैं। इसके बाद हुआ ये हेमा जी कि रमेश सिप्पी जी और सलीम जावेद साहब ये दोनों आए हमारे घर। उन्होंने कहा भाई साहब गड़बड़ हो गई है, पिक्चर जो है वो चली नहीं है, फ्लॉप हो गई है। तो बैठे रहे, बात करते रहे, क्या क्या वजह क्या हो सकती है, बहुत सारी वजहें ढूंढी, अंत में एक निर्णय निकला कि यार देखो ये विडो रीमैरिज वाली बात जो है ना, ये बड़ी इमोशनल होती है। विधवा जो है उसका फिर से एक बार जीवन जो है वो संवर जाए, ये हमारे समाज में धीरे धीरे बहुत अच्छी बात बन रही थी। और फिल्म में ये था कि हमारी मृत्यु हो जाती है और जया जो है वो विधवा बन जाती है और उनका जीवन फिर से खराब हो जाता है, क्योंकि पहले भी उनके साथ वो हादसा हो गया था, वो गब्बर आया था, उसने सबको मार दिया था। ये गड़बड़ हो गई है, इसको ठीक करना चाहिए। तो ये तय हुआ कि हमको जीवित कर देंगे फिर से, अच्छा, और हमको मिलवा देंगे जया के साथ। तो क्या है कि जनता जो है इसको अच्छी तरह से समझ जाएगी। तो हमने कहा कैसे होगा कैसे, तो इन्होंने कहा कि हमारे जो बेंगलुरु के डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन्होंने कहा नहीं सर आप रात को आ जाइए, सुबह शूटिंग करेंगे, ये फ्राइडे की बात हो रही है, और सैटरडे को शूटिंग करेंगे और संडे तक ये सब फिल्मों हम सब थिएटर में डाल देंगे, मंडे तक देखिए क्या रिजल्ट आता है। हम लोग तय हो गए। हम लोग सब बहुत निराश होकर के निकले, थोड़ी दूर गए गेट पे, हमने उनसे बाय बाय किया। रमेश जी गए थोड़ी दूर आगे और फिर मुड़ के कहा यार ऐसा है मंडे तक ठहर जाते हैं, देखते हैं मंडे को क्या होता है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, तो नहीं जाते हैं। मंडे के बाद इतिहास रच गया भाई साहब। कई लोगों से पूछा भी गया कि भैया तुमको ये पिक्चर क्यों पसंद आई, तो बहुत से अलग अलग कहानियां निकलती हैं सब। हाँ। एक जो साहब थे उनकी कहानी बहुत सुंदर थी, मैंने कहा भाई साहब ऐसा है ना कि वो जो रुपया है इधर उछालते हैं और उसकी आवाज उधर आती है। वो स्टीरियोफोनिक था ना 70 में, तो एक तो जो सामने वाली सीट में जो बैठते हैं ना वो सबसे बढ़िया मजा रहता है उनका, क्योंकि सर सामने वाली सीट में पिक्चर ऐसे नहीं देखते हैं, फिर ऐसे देखते हैं, फिर ऐसे इधर उधर घूमना पड़ता है उनको। बहरहाल सर कितने साल बीत गए और अभी भी और हम लोग साथ में मिले हैं, बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि आप दोनों आज यहाँ हैं। तो हेमा जी रमेश जी हम चाहते हैं कि अब जो खेल है जिसकी वजह से आज आप यहाँ आए हैं उसको प्रारंभ किया जाए। खेल के कुछ नियम हैं और रूल्स तो आपको पता ही है, चांस मत लीजिए कभी भी। हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं उनसे आपका परिचय करवा दूं। दिव्य सज्जन हमारी जो आज के एक्सपर्ट हैं ये बहुत ही ज्ञानी और गुणी अर्चना गरोड़िया गुप्ता जी हैं। ये एक ऑथर हैं, क्विजर हैं और हमारे इस खेल में अपना योगदान देने वाली एक बहुत ही अद्भुत एक्सपर्ट भी हैं। अर्चना जी प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। प्रणाम जी, प्रणाम हेमा जी, प्रणाम सभी दर्शकों। नमस्कार रमेश जी, इट इज ट्रूली अ प्लेजर टू बी हियर विद यू ऑल टुडे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्चना जी। और एक
एक सूचना दे दें आपको हेमा जी कि हम लोग तभी तक खेलेंगे जब तक फूटर नहीं बचता, और जैसे ही वह बदिया मतलब खेल खत्म, तो आप जहाँ भी होंगे वहीं पर खेल को समाप्त करना पड़ेगा। मुझे तो यहाँ आकर ऐसा लगता है कि कुछ IPS, IAS का एग्जामिनेशन का नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है, you know? नहीं, ऐसा है ही नहीं। I'm so scared, I'm so worried कि क्या होने वाला है। नहीं, बिल्कुल सही होने वाला, आप घबराइए मत। Let's play, कौन बनेगा करोड़पति? शुरू हो गया है इम्तिहान। पहला प्रश्न 1,000 रुपए के लिए ये रहा आपके सामने। फिल्म नमक हलाल के एक गाने के अनुसार पग घुंघरू बांध कौन नाची थी? अकॉर्डिंग टू द सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म नमक हलाल, हु डांस्ड पग घुंघरू बांध? ऑप्शन सुनिए, ए राधा, बी मीरा, सी गोपी या डी मेनका। मुझे तो बिल्कुल सही जवाब दिया आप। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, ये था पूरा गाना। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर हो गया आपका, 1,000 रुपए जेब में आ गए हैं। दूसरा प्रश्न 2,000 रुपए का आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महिलाओं के किस प्रकार के हैंडबैग का नाम ऑटोमोबाइल के एक पार्ट के साथ मेल खाता है? What type of a lady's handbag shares its name with a part of an automobile? और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने, ए होबो, बी क्लच, सी शोल्डर या डी स्लिंग। बी क्लच शोर है, ताला लगा दें हेमा जी। ओके, बी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, और जीत गए आप 2,000 रुपए। लेडीज का एक छोटा सा ऐसा होता है, उसको क्लच बोलते हैं। उसका आप बंद करेंगे तो सारा चीज बाहर आ जाएगी। और जब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्लच बैग। अच्छा, ये सत्य हमको नहीं मालूम था। अच्छा सॉरी हेमा जी, ऐसे ही पूछ रहे हैं क्योंकि कई बार हम देखते हैं घर की जितनी महिलाएं हैं वो क्लच लेकर के चलती हैं। उसमें क्या होता है, यही पूछने वाला था। अरे इतना छोटा सा है, क्या क्या भरिएगा उसके अंदर? कॉम्पैक्ट, लिपस्टिक, हाँ, काजल, हाँ, और बहुत कम पैसे। पर एक बार तो आप लोग श्रृंगार करके बाहर निकलते हैं ना, तो फिर इसकी जरूरत क्या पड़ जाती है? थोड़ा टचअप करते रहना का ना, ये काजल कहीं इधर उधर हो सकता है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव। अच्छा मान लीजिए किसी आप त्योहार में गए या फंक्शन में गए तो भी आप इसको साथ में लेके जाएंगे? हाँ, लेकर जाएंगे, वो तो जरूरी है ना। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। आ गया तीसरा प्रश्न 3,000 रुपए, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये एक पिक्चर प्रश्न है, एक हम आपको एक छवि दिखाएंगे, पिक्चर दिखाएंगे, और प्रश्न पूछा जाएगा कि यहां कौन सा नाश्ते का व्यंजन परोसा जा रहा है? Which breakfast dish is served here? और ये रही तस्वीर। देख लिया अच्छी तरह? जी जी हेमा जी, देख लिया। अच्छा आपके सामने ऑप्शन रखता हूं मैं, ए पोहा, बी उत्तपम, सी उपमा या डी पुलाव। ये तो आपकी तरफ का है। सी 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 उपमा। उपमा चोर है, ताला लगाने लायक है, लगाया जाए। उपमा सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। And I love उपमा।
I love upma. You love upma, but देखिए हमारे कंप्यूटर जी बहुत ही उदार दिल होते हैं. जो भी सामने आता है ना उसी के इतिहास को ढूंढ डांट करके वैसे ही प्रश्न पूछते हैं. मतलब वो समझ गए थे कि आ रही हैं. बिल्कुल, उनको मालूम था कि हेमा जी आ रही हैं. एक चीज हम पूछना चाह रहे थे कि आज हम जान रहे हैं कि हमारा विशेष कार्यक्रम है और जितने भी हमारे अतिथि आते हैं ना यहाँ वो किसी एक नेक काज के लिए खेलते हैं. तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो क्या है नेक काज जिसके लिए आज आप जितनी भी धनराशि जीतेंगे वो आप वहाँ दान के रूप में दे देंगे. KBC से जो भी जीतेंगे उसे मैं देना चाहती हूँ मथुरा में रहने वाले गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए जी. जिनके माँ बाप गुजर गए हैं कोरोना में या जिनके माँ बाप का नौकरी चली गई है यू नो एंड फीस नहीं दे पा रहे हैं बच्चों के. सो आई वांट टू हेल्प देम. प्लस जितना भी मेडिकल स्वास्थ्य के लिए कोई जरूरत है वो सब करूंगी. वो देंगी आप? हाँ जी. ये आप अपने फाउंडेशन के थ्रू करना? मेरा फाउंडेशन है हेमा मालिनी. यस, मेरा हिस्सा भी आप ले लीजिए. सो स्वीट ऑफ हिम. सो आई एम गोइंग टू गेट हिज आल्सो. जी जी जी. सो टुगेदर इट विल गो टू मथुरा. वाह वाह, बहुत अच्छी बात है. चिल्ड्रन. तो फाउंडेशन का नाम क्या है मुझे एक बार? हेमा मालिनी फाउंडेशन. हेमा मालिनी फाउंडेशन, ओके. ऑलराइट हेमा जी और रमेश जी, अब आ रहा है चौथा प्रश्न. इसका मूल्य है 5,000 रुपए. तैयार हो जाइए. चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. देवी सरस्वती को हमेशा उनके हाथों में क्या लिए दिखाया जाता? What is देवी सरस्वती always depicted holding in her hands? ऑप्शन सुन. ए A weapon. बी द यूनिवर्स. सी A musical instrument. या डी द मून. हिंदी में बोलता हूं, ए हथियार, बी ब्रह्मांड, सी वाद्य यंत्र या डी चंद्रमा. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. वाह क्या बात है, ताला लगा दे इसको. yes. लगाइए ताला इसके ऊपर. बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने. हेमा जी आपने अपनी नृत्य कला को नहीं छोड़ा है और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है हेमा जी में. भले ही ये फिल्मों में काम करती हैं, घर गृहस्थी संभालती हैं, लेकिन अपनी नृत्य कला को इन्होंने कभी नहीं छोड़ा है. कैसे समय निकाल लेती हैं आप हेमा जी? मेरा अपना पूरा एक ट्रूप है जी, जो बहुत पहले से जब मैंने स्टार्ट किया था मीरा, देन आई मेड रामायण, दुर्गा, महालक्ष्मी, राधा कृष्णा, द्रौपदी, यशोदा कृष्णा, सावित्री, देन नाउ आई हैव डन गंगा. यहाँ तक इतना मेरा जर्नी है पूरा. मेरा लाइफ का शुरुआत ही डांस से शुरुआत. जब मैं 6 बरस की थी सब डांस नृत्य सिखाया मेरी मम्मी ने दिल्ली के दिनों में. उसके बाद डांस से मेरा शोज देख के प्रभावित होकर फिल्मों में लोग ऑफर किया आने के लिए. देन आई कंटिन्यूड माई डांसिंग अलॉन्ग विद ऑल माई हैवी शूटिंग. जितना भी होती थी मैं आउटडोर में भी मेरे गुरु जी को ले जाती थी. मतलब डांस में बहुत ही I was very passionate about it. मैं तो चाहती हूँ जब तक है जान मैं करना चाहेंगे जरूर करती रहूँगी और जितने ऑडियंस देखना चाहेंगे मुझे मैं जरूर करूँगी. क्या बात, क्या बात. कितनी सारी मुद्राएं याद हैं आपको हेमा जी? हमको एक दुर्गा की अगर मुद्रा बनानी हो कैसे होगी, क्योंकि आजकल नवरात्र चल रही है. ये त्रिशूल है एंड दिस इज अनदर मुद्रा दैट इज महिषासुर मर्दिनी. हाँ, महिषासुर को मारने की मुद्रा. मारने का ये. अच्छा बहुत है. जी जी जी. नेत्र की एक उसमें ये एक एक्सरसाइज होती है शायद भरतनाट्यम में होती है ना, उंगली को ऐसे फॉलो करते हैं ना. ये तो हस्त ततो दृष्टि कहते हैं. हाँ ये देखिए. यस. तो उससे क्या है कि योग में सिखाया जाता है ये कि अगर आप अपनी दृष्टि को अच्छा करना चाहें. हाँ बिल्कुल सही कहा आपने. नहीं नहीं बिल्कुल सही है, मैं कह रहा हूँ आपसे. दृष्टि अगर आपको अपनी सही करनी हो तो एक उंगली को देखें और उसी को फॉलो करें यहाँ तक, फिर उसी को फॉलो करें राइट एक्सरसाइज दाएं बाएं तरफ और दाएं तरफ.
और भरतनाट्यम में ये एक मुद्रा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेमा जी। भरतनाट्यम को लेकर के बहुत सारी बातें हो गई। अब आ रहा है पांचवा प्रश्न, खेल की ओर आपका ध्यान आ जाए। यह है खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए इसका मूल्य है। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल्म सत्ते पे सत्ता किस हॉलीवुड संगीतमय फिल्म से प्रेरित मानी जाती है? द फिल्म सत्ते पे सत्ता इज सेट टू हैव बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम विच हॉलीवुड म्यूजिकल? ऑप्शन सुनिए। ए सेवन ब्राइड्स फॉर सेवन ब्रदर्स, बी द साउंड ऑफ म्यूजिक, सी हाई फिडेलिटी, या डी मैरी पॉपिंस। सेवन ब्राइड्स फॉर सेवन ब्रदर्स, ए। ए चोर है, लगा दिया जाए ताला। यस, ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पहला पड़ाव पार हो गया है आपका, 10,000 रुपए जीत गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आज निश्चित रूप से आप 10,000 रुपए ले जाएंगे। अब हम खेल की ओर आगे बढ़ेंगे। पहला पड़ाव पार हो गया है और धुकधुकी जी उदार हो गई हैं आपको प्रत्येक उत्तर देने के लिए। अब 60 सेकंड मिलेंगे, ओके। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत की किस जगह में इस प्रकार की होली मनाई जाती है? ये एक तस्वीर है, एक इमेज है। दिस टाइप ऑफ होली इज सेलिब्रेटेड इन विच टाउन ऑफ इंडिया? कैन वी सी द पिक्चर प्लीज। मथुरा, देख लिया? हाँ जी देख लिया। ये रहे ऑप्शंस। ए बरसाना, बी चंडीगढ़, सी पुरी, या डी प्रयागराज। बरसाना। चोर है? Yes. लगा दे ताला। ए बरसाना कह रहे हैं हेमा जी, ताला लगा जाए। ए आपको कैसे मालूम ये? मैं वहीं से हूँ, राधे राधे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अच्छा आपको मालूम है इसको क्या बोलते हैं? लठमार होली। लठमार होली बोलते हैं। और जितनी महिलाएं हैं बहुत प्रसन्न हो रही हैं। सबके चेहरे पर मुस्कान है, क्यों बताते हैं अभी आपको। यही दिन होता है जब जितनी भी स्त्रियां हैं ना पतिदेव को लट्ठी मारती हैं। पूरे साल की कसर निकाल दी। कितना सोच समझ के इन्होंने बनाया है ये, कि महिलाओं को भी अवसर मिलना चाहिए। मारे पति देव को एक बार, गंदा भी मारे सब कुछ। ओहो, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न के ऊपर। इसका मूल्य है 40,000 रुपए। सातवां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऑस्टियोपोरोसिस से मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? Which part of the human body is most affected by osteoporosis? All right? Option सुनिए। A. Nerves. B. Skin. C. Bones. या D. Muscle. तंत्रिका, त्वचा, हड्डियां या मांसपेशी? Should be osteoporosis. Can we take a Are you sure? Or we take a... Yeah, if you want. I feel... Fit ho jaye? C, bones. Sir, haddiyan. Laga de taala. Sure hai aap? Hema ji keh rahi hai, bones, yani ki haddiyon mein taala laga dijiye. Hema ji, kya kar diya aapne? कैसे बोला कि हड्डी होना चाहिए? मसल, ऑस्टियोपोरोसिस, नो? अच्छा चलिए माफ कर देते, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। ऑस्टियोपोरोसिस आमतौर पर हड्डियों के कैल्शियम खोने के कारण होता है और इसलिए फ्रैक्चर होने का खतरा
अधिक हो जाता है, जैसे कि हमने अपनी उंगली तोड़ दी है और अलग अलग प्रकार के जूते पहनने पड़ रहे हैं। भाई साहब, आपसे हम ये पूछना चाहते हैं रमेश जी, क्योंकि हम सब शोले की बात कर रहे हैं, आपको कैसे लगा या क्यों लगा कि हेमा जी ही बसंती बननी चाहिए? देखिए, हेमा जी ने पहली फिल्म में मेरे साथ एक यंग विडो का रोल किया, ओ, और दूसरी फिल्म सीता और गीता में उन्होंने पंखे पे चढ़कर कमाल दिखाई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो बसंती और तांगा और वो तो ऐसे लगा कि इसके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, तब आपको लगा कि ये बसंती, ये बसंती है हमारी। और ऐसे तो एक और बात भी थी जी, जब सीता और गीता हमने कंप्लीट की और सक्सेसफुल हो गई, तो सोचा जो भी हम इसके बाद बनाएंगे, धर्म जी, हेमा जी और संजीव जी होने चाहिए, होने चाहिए। अगर ऐसी कोई कहानी मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा। और जैसे शोले का वो स्क्रिप्ट बनता गया, वो सही बैठता गया, और आपको तो पता है कि उसमें आप भी, बस वही पूछने जा रहा था भाई साहब, कि जय और वीरू के लिए आपने कैसे सोचा? वीरू तो जी हाँ जी था ही, हमारे पिछली फिल्म में भी था। और एक बात मैंने कुछ सोच ली थी कि अब तीन महारथी तो हैं हमारे पास जी, जी, और महारथी गैदर करूंगा तो मेरे लिए ही मुश्किल हो जाएगी। महार निकाल दीजिए, सिर्फ रति था। क्योंकि जब सलीम जावेद ने सजेस्ट किया जी कि इस रोल के लिए अमित जी को आप ट्राई कीजिए जी, एक हैं मिस्टर अमिताभ बच्चन जो अच्छा काम करने लगे हैं और वो हमारी एक जंजीर में काम कर रहे हैं, मैंने कहा चलिए अच्छी बात है। फिर मैंने सोचा कि ही इज नॉट अ स्टार एट द मोमेंट, सो आई वोंट हैव दैट प्रॉब्लम। लेकिन दो बातें मुझे याद हैं आपके बारे में। ओ, आनंद में आपने काम किया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सीरियस रोल, और फिर बॉम्बे टू गोवा में आपने एक लाइट रोल महमूद साहब के साथ किया। वो एक बस में आप इतने लंबे चौड़े आदमी और जिस तरह आपने नाचा और ग्रेसफुली किया, ये लाइटर सीन्स, एनी, आई मीन दिस सीम्स टू बी एन एक्टर हु कैन डू एनीथिंग, सो ही विल बी एबल टू गिव अस व्हाट वी वांट। दैट्स हाउ द कास्टिंग। सर, बड़ी कृपा रही आपकी, अरे आपने प्रूव कर लिया। तो जब हम, जब तक फिल्म रिलीज हुई तो आप सबसे बड़े स्टार हो गए। फिल्म में अब ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न आ रहा है और इसका मूल्य है 80,000 रुपए। तैयार हो जाइए, आठवां प्रश्न, 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। ये रहा, इनमें से किस कला के बनारस, लखनऊ और जयपुर तीन खास घराने हैं? Which of these performing art forms has three distinct gharanas? बनारस, लखनऊ एंड जयपुर। और ये रहे ऑप्शंस, ए भरतनाट्यम, बी ठुमरी, सी कथक या डी द्रुपद। कथक करके भी बता दिया, अब yes. क्या करें? लॉक सी कथक। सी कथक, ताला लगा दें। यस, सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। ओके, ऑलराइट। अब आपका ध्यान आ जाए अगले प्रश्न के ऊपर। नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा, हेमा जी, और ये एक वीडियो प्रश्न होगा। एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे और प्रश्न ये है कि इस फिल्म के निर्देशक कौन है? ए अनीस बाजमी, बी मणि रत्नम, सी विशाल भरद्वाज, डी विदु विनोद चोपड़ा।
हमको मालूम है इसका उत्तर, लेकिन आपको बताएंगे नहीं क्या। Who is the director of this film? हाँ भाई, आप नहीं जाने तो कैसे होगा? हाँ, मणिरत्नम। मणिरत्नम शोर है बी, ताला लगाने लायक कबीर महाशय बी, मणिरत्नम पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। इस छवि का नाम था गुरु, संगीत दिया था इसमें A.R. रहमान जी ने और इसका निर्देशन किया था मणिरत्नम जी। गुरु फिल्म। देवी संजो, ये जो वीडियो क्लिप आपने देखा, ये सोनी म्यूजिक को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, उनके उनको हम आभार प्रकट करते हैं, उन्हीं के सौजन्य से हमें ये वीडियो क्लिप मिला। ओके, अब आपके सामने आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। इसको यदि आप पार कर गए तो 320 आपको मिलेंगे और निश्चित रूप से आज आप 320 अवश्य ले जाएंगे। आपकी चारों लाइफलाइंस अभी तक जीवित हैं, चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। सिंधी हिंदुओं के इष्ट देव झूलेलाल को किस देवता का अवतार माना जाता है? द इष्ट देव ऑफ सिंधी हिंदूज झूलेलाल इज कंसिडर्ड टू बी द इनकार्नेशन ऑफ विच डेटी? ऑप्शन ए वरुण देव, बी अग्नि देव, सी वायु देव या डी लॉर्ड ब्रह्मा। क्या ख्याल है ऑडियंस? वी वॉन्ट टू यूज ऑडियंस फोन। ओके, शांत हो जाए दुगदुगी जी। आप लोगों को पता है कि नहीं? अरे ऐसे नहीं मान सकते। ऑडियंस फोन लेंगे, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर महाशय। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है, बचाइए हेमा जी को और रमेश जी को। सिंधी हिंदुओं के इष्ट देव झूलेलाल को किस देवता का अवतार माना जाता है? The इष्ट देव ऑफ सिंधी हिंदूज झूलेलाल इज कंसिडर्ड टू बी द इनकार्नेशन ऑफ विच डेटी? ऑप्शंस ए वरुण देव, बी अग्नि देव, सी वायु देव या डी लॉर्ड ब्रह्मा। और आपका समय शुरू होता है अब। ए वरुण देव को सबसे ज्यादा परसेंटेज मिला है 58%। चलिए जाएंगे जनता के साथ। यस ऑलराइट, अधिकतर जनता कह रही है ए वरुण ताला लगा दे। ए वरुण पे ताला लगाया जाए। कैसे बोल दिया आपने? और मैं आपको बात बता दूं कि जो भी बोला है आपने वो बिल्कुल सही है। झूलेलाल सिंधी हिंदुओं के उपास्य देव हैं, जिन्हें इष्ट देव कहा जाता है, उनके उपासक उन्हें वरुण जल देवता, वरुण जल देवता का अवतार मानते हैं। वरुण देव को सागर के देवता, सत्य के रक्षक और दिव्य दृष्टि वाले देवता के रूप में सिंधी समाज भी पूजता है उन्हें। और बहुत सुंदर उनका एक गाना भी है, झूलेलाल फेमस सॉन्ग, वेरी नाइस सॉन्ग। 3,20,000 रुपए जीत लिए हैं और इस समय पर हमको एक चेक लिख करके देना है आपको 3,20,000 रुपए का, और तालियां बज जानी चाहिए जोरदार। थैंक यू सो मच। तीन लाख बीस हजार रुपए का चेक हेमा जी आपकी फाउंडेशन को मिल गया है। दमादम मस्त कलंग, बिल्कुल सही कहा आपने। वाह भाई साहब, एक हमें बहुत बड़ा क्लेश है कि आज हम लोग शोले एक तरह से यूनियन मना रहे हैं और एक बहुत ही प्रिय जन जो हमारे साथ होने चाहिए थे वो। ए, कंप्यूटर जी, अरे वीरू भाई साहब से बात कराओ हमारी। क्या बात है, क्या बात है वीरू भाई साहब। हाय पाजी, प्रणाम करता हूँ आपको और हम लोग सब यहाँ आए हुए हैं।
कैसे हो जय? मैं बस आपके बिना यहाँ पर बहुत वीरान महसूस कर रहा था, तो हमने कहा बात हो जाए एक बार तो अच्छा रहेगा। नहीं माने कि मैं भी चलूं। चलो। अरे हमारे डायरेक्टर साहब कैसे हैं आप? मिसिंग यू। आप झंडा आपने फहरा दिया ये आप लोगों के बगैर नहीं होता। आपके बारे में पूछ रहे हैं बसंती जी, कैसे लग रहा है? बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो रहे हैं। पहले थोड़ा डर लग रहा था, अभी थोड़ा रिलैक्स हो गई हूँ। आप लोगों को प्यार देने के लिए आया हूँ। ये जो टीम है हमारी, ये तो अमर है, हम लोग हमेशा याद रखेंगे। याद है मैं 28 मील पैदल चला गया था लोकेशन पर। 28 मील पैदल, उसकी वजह थी कुछ अपने आप को ठीक करना था मैंने। और आप सब ढूंढ रहे थे मुझे, अरे धर्मेंद्र कहाँ गए। सुबह मेरे साथ जय मेरे साथ जाता था गाड़ी में, वो भी परेशान, सब परेशान थे। तो वहां आके देखा तो मैं वहां लेटा हुआ था। याद है रमेश जी? बिल्कुल याद। मुझे वहां की तंदूर की रोटी आज तक ऐसा टेस्ट नहीं मिला। आ गए वापस बात खाने पीने पर। और वो क्या मतलब, सब बैठ के पूरा यूनिट खाता था जी। बिल्कुल सही। मैं तो कभी कभी टैंकी के ऊपर ही मंगवा लेता था। और हमारे कैमरामैन ऊपर से मुझे कहते थे ऊपर आओ, वो दिखाते थे कि कौन देखो कैसे कैसे लोग खड़े हैं। बड़ा मजा आया। वो तो जी चाहता फिर से इसी फिल्म को बना, किसी तरह बनाना चाहिए जी। बिल्कुल सही। सेकंड पार्ट बनाइए। जी जरूर आइएगा। हाँ मैं सिर्फ चाय पीऊंगा, छोड़ रखी है आजकल। अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच धर्म जी। ऑल राइट, तो धर्म जी हमारे साथ थे। और जब हम लोग गाड़ी में जाते थे तो हम लोग ताश खेलते थे। अच्छा? रमी खेलते थे, छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए खेलते थे, एक पैसा दो पैसा। और फिर हम लोग को पूछते थे चलो भाई दे दो पैसा। धर्म जी हमेशा शॉट के बीच में ताश बहुत खेलते हैं। हाँ ऑलराइट। हेमा जी रमेश जी खेल की ओर ध्यान दीजिए आप जी। अब आएगा 11वां प्रश्न और मूल्य है इसका 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सुषमा स्वराज, अंबिका सोनी और स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्रिमंडल में किस एक समान विभाग की मंत्री रही हैं? विच कॉमन पोर्टफोलियो हैज बीन हेल्ड बाय सुषमा स्वराज, अंबिका सोनी एंड स्मृति ईरानी एट द सेंटर। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए Minister of Human Resource and Development, B Minister of Information and Broadcasting, C Minister of Commerce, या D Minister of Corporate Affairs। हिंदी में बताओ। A मानव संसाधन और विकास, B सूचना और प्रसारण, C वाणिज्य, या D कॉर्पोरेट मामलों। मिले लाइफ में समय ही समय है आपके पास, सोच लीजिए। उत्तर ना मालूम हो तो लाइफलाइन है आपके पास, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनिस्टर ऑफ सेफ, इसने तो सुनी है, इसने तो किया है। या आई डोंट थिंक सुषमा स्वराज हैज बीन इन्फॉर्मेटिव मिनिस्टर। यस यस। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और प्रसारण शोर हैं आप। ताला लगाइए कंबीर जी। सही जवाब दिया है आपने। सुषमा स्वराज को
एंड द मिनिस्टर इन द अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में थी वो. अंबिका सोनी जी हेल्ड द ऑफिस फॉर 3 years अंडर मनमोहन सिंह एंड स्मृति ईरानी हेल्ड द पोस्ट फॉर अ ईयर व्हेन वेंकैया नायडू जी बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट. वाइस प्रेसिडेंट. ये बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. वाह हेमा जी क्या बात है. राजनीति में आपकी रुचि जो है केवल पार्लियामेंट तक ही नहीं आगे भी आप सोचते हैं. ऑलराइट भाई साहब अब आ रहा है 12वां प्रश्न. 12,50,000 रुपए 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. द्रविड़ आंदोलन के जनक कहे जाने वाले पूर्व सामाजिक कार्यकर्ता व नेता ईवी रामस्वामी किस लोकप्रिय नाम से जाने जाते थे. Widely known as the father of the Dravidian movement, former social activist and politician E.V. Ramaswamy is popularly known by which name? A. Kalainar. Kalainar. B. Ettan. C. Anna. D. Periyar. D. Periyar. B. Ettan. C. Anna. A. Kalaigal. Only you can play. Periyar, I think. Periyar? Maybe, yeah. I think it's a D. Achha. Hema ji ka confidence hai Periyar. Periyar. No, she sure from hai? The south. She seems to understand this better. Zyada. Kya karna chahenge? He can go. बोलना पड़ेगा आपको ताला लगाने के लिए. ताला लगाना चाहिए. ये तो हम बाद में बताएंगे ना आपको. अभी कैसे बता दें. डी पे ताला लगाया जाए. फिर यार हेमा जी आप जीत गई. 12,50,000 रुपए जीत गई आप. अच्छा क्योंकि आप दक्षिण भारत से हैं और तमिल भाषा से आप बहुत परिचित हैं. पेरियार का मतलब बताइए क्या होता है. बहुत बड़े व्यक्ति. बड़े व्यक्ति. ओके. रेस्पेक्टेबल मैन. हाँ जिनकी इज्जत हो उनको पेरियार बोलते हैं. अरे ओ बसंती. हाँ क्योंकि ये किसने बोला. अरे ओ बसंती हैप्पी बर्थडे. आपने मुझे सजा अपना समझा है और अम्मी जी भी मुझे इतना अपना समझे. उनके साथ भी बहुत काम किया और रमेश जी भी मुझे बहुत इज्जत अफजाई दिए है. मैं आप तीनों की बहुत शुक्र गुजार हूँ. अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इनका नाम है रेशमा पठान. यस. और रेशमा जी हिंदी फिल्मों में देश की पहली स्टंट वुमन और बॉडी डबल. और बता दें आपको कि पहले फिल्मों में यदि किसी हीरोइन को स्टंटमैन करना हो तो पुरुष जो थे वो महिला का वेश धारण करके किया करते थे. फिर आए रेशमा जी और इन्होंने हिंदी फिल्मों में स्टंट वुमन की नींव जो है वो रखी. बहुत जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए. मैं भी कहना चाहती हूँ कि आपने मेरे लिए जो डुप्लीकेट किया शोले में जिसकी वजह से हम सबका नाम है. बट यू डिड द डुप्लीकेट फॉर मी ऑल द डिफिकल्ट एंड डेंजरस शॉट्स विच यू नो आपने किया था वो सब मुझे याद है. मुझे कभी आपने ऐसा नहीं समझा कि मैं आपकी डुप्लीकेट कर रही हूँ. यस yes. आपने हमेशा समझा कि मैं भी एक हीरोइन हूँ. यस yes. और यही अपनापन मेरे लिए बहुत मायने रखता है. और आपने आपके लिए अगर उस वक्त मुझे कोई शॉट देने में मेरी जान भी देनी होती तो मैं नहीं नहीं हम करने नहीं देंगे. ऐसा नहीं कभी नहीं. बहुत सी खतरनाक इन्होंने शॉट्स दिए हैं शोले में. आपने देखा होगा जहाँ कहीं भी हेमा जी जो हैं कभी घोड़ों के पास गुजर रही हैं कभी गुलाटी खा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं कभी डबल राइडिंग कर रही हैं. बिल्कुल वो सब रेशमा जी थी. और एक शॉट में हाँ एक शॉट में इन्होंने इतना डेंजरस शॉट दिया
वहां से घोड़ी आ रही है, ये एक बच्ची को रास्ते से उठाना था और बचाना था, घूम जाती है और घोड़ी निकल जाती है। जी जी जी, अमेजिंग शॉट दैट वाज। आई स्टिल कांट फॉरगेट हाउ शी डिड इट। बहुत बहुत बधाई आपको इस बात पर। आज आप यहाँ आए इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच। बिग हैंड फॉर रेशमा पठान। अब आ रहा है अगला प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए। ये है 13वां प्रश्न और बहुत कम कंटेस्टेंट जो है इस स्तर पर आकर के कह सकते हैं कि हमारी तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। 13th question, 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ...1941 की तमिल फिल्म सावित्री में नारद की भूमिका किसने निभाई थी? मैं, I never saw this film. Who played the role of Narad in the 1941 Tamil film? Let's have Tamil option. Film सावित्री। ऑप्शन सुनिए। ए एम एस सुब्बलक्ष्मी, बी विजया राजेंद्रन, सी कालकी सदाशिवम, ये डी राधा विश्वनाथ, सी कल्की इफ एट ऑल सदाशिवम, बी विजय राजेंद्रन, ए एम एस सुब्बलक्ष्मी। दीज फिल्म्स आई हैव नेवर सीन। हम एक्सपर्ट लाइफलाइन लेना चाहेंगे। ओके, ऑलराइट। कमिटी महाशय, एक्सपर्ट एडवाइस को अंकित कर दीजिए। ये है, उस एक्सपर्ट के पास हम जाएंगे, अर्चना जी के पास, और अर्चना गरोडिया गुप्ता जी को प्रकट किया जाए यहाँ हमारे सामने। अर्चना जी प्रणाम एक बार और एक बार फिर तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं। अर्चना जी, प्रश्न पढ़ता हूँ आपके सामने। 1941 की तमिल फिल्म सावित्री में नारद की भूमिका किसने निभाई थी? Who played the role of Narad in the 1941 तमिल फिल्म सावित्री? ऑप्शन सुनिए, 60 सेकंड शुरू हो जाएंगे। ए एम एस सुब्बलक्ष्मी, बी विजय राजेंद्रन, सी कल्की सदाशिवम, या डी राधा विश्वनाथन। हेमा जी, yes. इसका जवाब है एम एस सुब्बलक्ष्मी। तो उनका ये उनकी शायद दूसरी तीसरी फिल्म थी, फर्स्ट आई थिंक सेवा सदन थी, और आपसे तो खास नाता है क्योंकि उन्होंने भी मीरा प्ले किया था। हाँ जी, आपके yes. जैसे yes. बट आई एम नॉट, मैंने ये पिक्चर कभी देखी नहीं, और क्योंकि हम मैंने उनकी बायोग्राफी पढ़ी है उसमें देखा उसमें। ओके ओके, सो इट इज एम एस सुब्बलक्ष्मी। जाएंगे हाँ, जो अर्चना जी कह रहे हैं उनके साथ। यस बिल्कुल, वो कह रहे हैं ए एम एस सुब्बलक्ष्मी। कभी महाशय ए पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने अर्चना जी, बधाई। 25 लाख हो गया। देखिए भाई साहब, ये था That's it. हूटर। ये क्या, यही है हूटर। अभी तो और बाकी है, बाकी है, लेकिन हूटर बच गया अभी, बाकी बाकी सब गॉन गॉन। तो 25 तो है ना, कि वो भी डाउट में है। नहीं सोचा जाएगा। 25 लाख है आपके। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर हेमा जी, फाउंडेशन तालियां बज जाए इनके लिए। 25 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी जीती हुई रकम है, ये डिजिटली हम ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट। okay. आपका जो फाउंडेशन है, यहाँ पर आपका हेमा मालिनी फाउंडेशन नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 25 1 2 3 4 5 25 लाख रुपए भर दिए, कन्फर्म किया, और यकीन मानिए ये 25 लाख उस अकाउंट में पहुंच गए इसी वक्त। थैंक यू सो मच, थैंक्स, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। ऑलराइट, तो एक बार जोरदार तालियां बज जाएं हेमा जी के लिए और रमेश जी के लिए। तो देवियों सज्जनों, इस हफ्ते का समय यहीं पर समाप्त होता है। मैं रमेश जी और हेमा जी को यहाँ आने के लिए तो शुक्रिया कहना चाहता ही हूँ, साथ ही हिंदी फिल्म जगत के हर प्रशंसक की तरफ से भी शुक्रिया कहना चाहता हूँ।
इन दोनों ने हमारी फिल्मों को जो एक प्रतिष्ठा दी है वो अद्वितीय है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियां बजाएं दोनों के लिए।